होली मिलन समारोह जो आयोजित किया गया है, अंदर कितना धमाल और कितनी मस्ती करके आ रही हो? सीरियसली मुझे लग रहा है कि होली शुरू हो गई, इतना मज़ा आ रहा है। जैसे ही मैं इस कैंपस के अंदर आई तो जो माहौल मुझे देखने को मिला, इतने बढ़िया बढ़िया रितेश पांडे जी के गाने चल रहे थे एंड देन होली का माहौल, सब लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो होली हालांकि अभी आने में टाइम है, एक दो दिन बाद है, 10 तारीख को है, लेकिन ऐसा लग रहा है होली आज ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी रितेश पांडे जी को, जो इतना अच्छा उन्होंने सोचा कि भोजपुरी मिलन होली मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। गुंजन जी के गाल पे एक जगह जहाँ पे पिंक कलर का गुलाल नजर आ रहा है और एक गाल पे रेड कलर का, तो ये किसने लगाया? मुझे नहीं पता, यहाँ पे सब मिक्स हो गए। एक जगह रितेश जी ने लगाया है, एक जगह किसी और ने लगाया है, थोड़ा अंजना जी ने लगाया है, थोड़ा रानी जी, सब मिक्स हो गया है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है किस किस ने आकर मेरे गालों में गुलाल लगा दिया है। तो होली कितना इंजॉय करती हैं आप, कितना खेलना पसंद है, आपकी भी कोई खास तैयारी होती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार, बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये त्यौहार आता है तो मन में एक अजीब सी एक खुशी बहुत दिनों पहले से आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने तो फिल्मों में बहुत सारी होली खेली है, मैंने बहुत सारे गाने करे, और ये होली तो भली आज शुरू हुई है, लेकिन एक फिल्म कर रही थी उसमें अभी मैं 15 दिन पहले जम के रंग खेल चुकी हूँ, पूरा होली का गाना था। फिर उसके बाद बिग गंगा का मैं एक शो कर रही थी, उसमें भी खूब होली खेली। तो होली हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं, हालाँकि मैं फिल्मी होली ज़्यादा खेलती हूँ। जब अब बात आती है रियल लाइफ की, तो मैं उस दिन मोस्टली घर के अंदर या तो छुप जाती हूँ, या फिर कान्हा जी का एक मंदिर है जुहू में, तो वहाँ जाती हूँ और वहाँ एक पूरा भक्तिमय माहौल होता है, तो वो होली मैं काफ़ी पसंद करती हूँ। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे, क्या लग रहा है इसका होली पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सीरियस ये बीमारी जो है वो इंडिया तक आ चुकी है, बहुत ही गंभीर मैटर है ये, और मुझे लगता है लोगों को प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जब भी मैं लोगों से यही सबसे बोलूँगी कि संभल के होली भी खेलें, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस होता है। अगर आप छींक रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने हैंड वॉश करें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस डिज़ीज़ से बचने के लिए कि आप हाइजीनिक रहें, अपने हाथ को बार बार वॉश करें या कोई कपड़ा लगा लें, एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं मुझे लगता है लोगों को लेना चाहिए। और इनफैक्ट मैंने भी अभी 2 दिन पहले मैं कहीं पर थी और मेरे जस्ट सामने ही कोई लेडी थी, उन्होंने जैसे ही स्नीज किया तो मैंने बोला प्लीज़ यूज़ नैपकिन एटलीस्ट, बिकॉज़ बहुत ये कंटीजियस है एंड सभी को जरूरत है इससे बचने के लिए। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।